अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होगी। आज एक नया दिन और एक नया व्लॉग, और आज मैं आपके साथ अपना संडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग पर इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, थैंक यू करना चाहूँगी। मैंने एक्चुअली शेयर किया था कि मैं काफ़ी स्ट्रेस में हूँ मीरब की स्कूलिंग को लेकर, तो उस पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए उस वीडियो पर, और मुझे बहुत सारी मदर्स ने DMs भी किए और उन्होंने मुझे सॉल्यूशंस भी बताए, बहुत सारी दुआएं भी दी। तो उन सब लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द आइडियाज़ एंड योर प्रेयर्स। और मैंने ये सोचा है कि जब तक ये कोविड जो है ख़त्म नहीं होता, स्कूल्स ओपन नहीं होते, तब तक मैं मीरब को होम स्कूलिंग ही करवाऊँगी। और मैंने जो है वो इंटरनेट से कुछ वर्कशीट्स वगैरह डाउनलोड की हैं, और ये है कि मैं मीरब को घर पे ही कुछ स्टार्ट करवाऊंगी बेसिक से। तो फ़िलहाल यही सलूशन है इसका। तो खैर, आज है संडे का दिन और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। संडेज़ को मोस्टली बिरयानी ही बनती है लंच में, और सबको बहुत अच्छी भी लगती है, मेरे बच्चों की भी बहुत फेवरेट है। और आज जो है मैं बहुत ही क्विक और झटपट वाली बिरयानी बना रही हूँ, बिकॉज़ मेरा कोई मूड नहीं है किचन में घंटों खड़े रहने का, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं आज, जो कि मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं बिरयानी बना रही हूँ यूजिंग शान बॉम्बे बिरयानी मसाला। और अगर अभी तक आपने ये मसाला ट्राई नहीं किया तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। एक तो बहुत ही जल्दी से बिरयानी बन जाती है इसके साथ, सेकेंडली बहुत मज़े की होती है, बहुत टेस्टी भी होती है। सो बस आज मैं शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला यूज़ करूँगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो है ना बहुत हैसल से बच जाते हैं, यानी अगर वैसे ही आप बिरयानी बनाएं घर के मसालों के साथ, तो आप पहले सारे मसाले जो है वो कलेक्ट करो, उसके बाद फिर आप उनको उनका प्रोपोर्शन ठीक करो, उसके बाद आप उसे ग्राइंड करें, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मगर ये रेडीमेड मसाले जो हैं ये लाइफ सेवर हैं, स्पेशली इन सिचुएशंस के लिए जब आपको जल्दी हो। तो बस आपने मसाले का पैक खोला, डाला और मिक्स किया, राइस डाले, तो आपकी बिरयानी जल्दी से रेडी हो गई। और वैसे मैंने बहुत सारी बिरयानी की रेसिपी शेयर की हुई अपने चैनल के ऊपर, आई एम नॉट श्योर कि मैंने ये शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला जो है वो किसी रेसिपी में यूज़ किया या नहीं, मुझे याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं यहाँ आई बटन में जो है वो लिंक दे दूँगी अपनी सारी राइस रेसिपीज़ का, तो उसमें आप जो हैं वो देख सकते हैं, काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैंने अपलोड की हुई हैं। तो खैर मैं जल्दी से आपको बता भी देती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाई थी बिरयानी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले अनियंस को लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया, और उसके बाद उसमें मैंने ऐड कर दी चिकन, और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद मैंने चिकन को फ्राई किया था मीडियम फ्लेम पे फॉर 8 to 10 minutes, और जब चिकन का कलर चेंज हो गया, अच्छी सी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई, तो फिर उसमें मैंने ऐड कर दिए थे टमाटर, और साथ ही डाल दिया था शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला। और उसके बाद जो है आप कवर करके टमाटर को कुक करें, बहुत जल्दी से फिर सॉफ़्ट हो जाते हैं। और जब मेरे टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो गए, तो मैंने थोड़ा सा और मिक्स किया, और साथ ही फिर मैंने ऐड कर दिया योगर्ट, और योगर्ट को मैंने अच्छी तरह से बीट करके डाला था। और बस अब मैं जो हूँ अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ, थोड़ी देर कवर करके मैं कुक करूँगी ताकि चिकन जो है वो कम्प्लीटली टेंडर हो जाए। तो बिरयानी का कोरमा रेडी हो गया है, और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ राइस बॉईल करने की। इसके लिए एक मैंने बड़ा सा पॉट ले लिया था, इसमें मैंने पानी डाला, और इसमें मैंने ऐड कर दिया था नमक, और 1 tablespoon मैंने डाला था इसमें सफ़ेद ज़ीरे का, साथ ही 2 दालचीनी की स्टिक्स ऐड की, 1 handful मैंने डाल दिया था पुदीने का, और मैंने थोड़ा सा इसमें वाइट विनेगर भी डाला था, उससे आपके राइस जो है ना वो बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं और आपस में स्टिक नहीं होते।
तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की, और ये जो मैंने ज़ीरा, पुदीना और दालचीनी डाली है ना, इससे आपके राइस बहुत एरोमेटिक बनेंगे, खुशबूदार होंगे और बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की, और बस जब पानी में बॉईल आ गया तो मैंने चावल डाल दिए और इनको मैंने एक कनी के जितना बॉईल कर लिया है, और अब ये रेडी हैं लेयरिंग के लिए। तो बस अब लेयरिंग कर रही हूँ। पहले मैंने राइस डाले, उसके बाद एक लेयर जाएगी इसमें कोरमे की, और उसके ऊपर मैं ऐड करूँगी टमाटर के स्लाइसेस, थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्चें वगैरह, जो भी आपको पसंद हो आप डाल दें। और उसके बाद अगेन राइस की लेयर जाएगी, और फिर टॉप पे मैं इसमें डाल दूँगी फूड कलर, येलो फूड कलर को जो है मैंने पानी में डिज़ोल्व करके इसमें ऐड कर दिया था, और बस दम लगा दूंगी और ये बिरयानी विदिन 15 मिनट्स रेडी हो जाएगी। तो जब मुझे जल्दी होती है और मुझे बिरयानी बनानी होती है तो फिर मैं इसी तरह से बनाती हूँ, एंड ट्रस्ट मी बहुत जल्दी ये बन जाती है। आप एक साइड पे कोरमा प्रिपेयर करें और दूसरी साइड पर आप राइस बॉईल करके रख लें, तो लिटरली इट टेक्स हाफ एन आवर, और हाफ एन आवर के अंदर अंदर आपकी बिरयानी जो है वो रेडी हो जाती है। तो वी आर डन विद द लंच, और यहाँ पर मैं लॉन्ड्री का एक लोड लगा रही हूँ। वैसे संडेज़ को मैं बिल्कुल भी लॉन्ड्री नहीं करती, और बहुत ही लेज़ी सा डे होता है, मेरी कोशिश होती है कम से कम काम मुझे करने पड़े, लेकिन ये कि लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी एंड लिटरली बास्केट से ना बाहर निकल निकल के आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि आज लॉन्ड्री कर लेती हूँ। एक्चुअली पिछले दिनों काफ़ी मसरूफियत थी और डेली हमें बाहर जाना पड़ा था किसी ना किसी काम के लिए, तो लॉन्ड्री जो है वो काफ़ी इग्नोर हुई, तो मैंने सोचा कि आज कर लेते हैं। और बच्चों के कपड़े मुझे वॉश करने थे, बच्चों के कपड़े जो हैं वो ऑलमोस्ट डेली ही वॉश होते हैं, तो बस यहाँ पर मैंने लॉन्ड्री का एक लोड लगाया। और अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी संडेज़ की हेयर केयर और स्किन केयर रूटीन। तो हेयर केयर रूटीन मेरी बहुत सिंपल सी होती है, मैं ऑयलिंग करती हूँ कोकोनट ऑयल के साथ, और 2 घंटे के बाद जो है मैं शैम्पू कर लेती हूँ, कंडीशनर कर लेती हूँ, दैट्स इट। और स्किन केयर में मैं सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ, और उसके बाद कोई भी शीट मास्क अप्लाई कर लेती हूँ, तो ये होती है मेरी स्किन केयर रूटीन। और आजकल मैं ये सेंटाइव्स का ओटमील स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है, इट्स वेरी जेंटल ऑन द स्किन, लेकिन इससे बहुत अच्छे से डेड स्किन आपकी रिमूव हो जाती है और आपका फेस जो है वो ग्लो करने लगता है। और इसके बाद जो मैं शीट मास्क आज अप्लाई करूँगी, इट्स बाय पिग्जी, और ये है ग्लाइकोलिक बूस्ट शीट मास्क, और ये मुझे पीआर में रिसीव हुए थे 5-6 मास्क, और सारे मैं अब तक यूज़ कर चुकी हूँ, ये लास्ट है जो मैं आज यूज़ करूँगी, और इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है स्किन के ऊपर। स्किन आपकी इंस्टेंटली हाइड्रेटेड लगने लगती है, और ड्राई स्किन आपकी बहुत अच्छे से सप्पल और सॉफ्ट हो जाती है, और स्पेशली विंटर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपके एरिया में अवेलेबल है, अगर आप अब्रॉड रहते हैं तो आपको इजीली मिल सकता है, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर आप गार्नियर के शीट मास्क भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, और उनका इफेक्ट भी 1 वीक तक रहता है आपकी स्किन पे, आपकी स्किन बहुत अच्छी लगती है। तो ये थी मेरी सिंपल सी संडे की स्किन केयर रूटीन, और अभी शाम का वक्त हो चुका है, हम बाहर निकले हैं, तो सबसे पहले तो बच्चों को पार्क में लेके जाएंगे थोड़ी देर, और उसके बाद कुछ खाएं पिएंगे, तो इस तरह से हमारा भी संडे जो है वो अच्छे से स्पेंड हो जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे।
तो हम बच्चों को पार्क लेकर गए थे हमारे घर के नियरेस्ट जो पार्क है उसमें। और क्योंकि आजकल मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ना तो गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंड है, बड़ा अच्छा दरमियाना सा मौसम है, तो बहुत मज़ा आता है पार्क में जाने का और बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो बस हमने कुछ टाइम पार्क में स्पेंड किया और उसके बाद फिर हम गए थे तहज़ीब। वहाँ से हमने जो है वो कुछ चीज़ें ली, कुछ स्नैक्स लिए अपने लिए, बच्चों के लिए। और थाई स्टिक्स बहुत पसंद है मुझे, तो मैं हर बार जब भी तहज़ीब जाती हूँ वहाँ से थाई स्टिक्स ज़रूर लेती हूँ। ये जो आपको ग्रीन कलर की स्क्यूअर्स में जो आपको चिकन नज़र आ रहा था ना, ये थी थाई स्टिक। और उसके साथ फिर हमने चिकन पाइज लिए थे अपने लिए, और बच्चों के लिए हमने लिए थे चॉकलेट डोनट। और बस अब मैं घर आ गई हूँ, और क्योंकि हम लोगों ने जो है वो थोड़े स्नैक्स वगैरह भी खा लिए थे, तो मुझे तो खैर बिल्कुल भी भूख नहीं थी, लेकिन हस्बैंड को फिर भूख लग गई थी तकरीबन 9 बजे तक, और उनका मूड नहीं हो रहा था बिरयानी खाने का। तो फिर वो कह रहे थे कि आप जो है कोई मेरे लिए लाइट सी चीज़ बना दें। तो यहाँ पर जो है ना मैं आलू की कतलियाँ बना रही हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। बस थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें मैंने गोल गोल आलू जो है पतले पतले से काट के डाल दिए, पतले काटो तो से रेडी हो जाते हैं। और उसके बाद फिर नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, और उसके अलावा जो है वो ज़ीरा पाउडर, तो बस ये सारे मैंने, और हाँ मैंने उसमें ना मैंगो पाउडर भी डाला था जिसे आमचूर पाउडर कहते हैं। तो बस ये सारे मैंने मसाले ऐड किए थे और फ्राई किया था 5-10 मिनट के लिए, और ये आलू रेडी हो गए थे। और जो इससे पहले फुटेज आपने देखी शामी कबाब वाली, तो वो शामी कबाब जो उनका जो मिक्सचर था ना, वो मैं चॉपराइज करके गई थी, तो ये मैं अभी फ्राई नहीं करूँगी, इनको मैं बना के फ्रीज़ कर दूँगी। तो बस वो मैं बना रही थी, और मैंने शामी कबाब सारे शेप कर लिए थे और उसके बाद उनको जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दिया था। और बस यहाँ पर मैं जो हूँ अभी डिनर की तैयारी कर रही हूँ, सिंपल सा डिनर है ये, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊँगी, सिर्फ हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, और इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो ये थी मेरी संडे की फुल डे रूटीन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, उससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।